नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत न्यूज पे चैनल पे। नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज 25 जनवरी 2021 सोमवार हो चुके हैं। जानेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लास्ट तक बने रहेगा हमारे वीडियो में इस साथ। विवादित ढांचे को लेकर बोले प्रकाश जावड़ेकर, 6 दिसंबर 1992 को ऐतिहासिक गलती को किया गया ठीक। जी हां, दरअसल विवादित ढांचे को गिराए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब बाबर जैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने विध्वंस के लिए अयोध्या के राम मंदिर को ही क्यों चुना, क्योंकि वे जानते थे कि राम मंदिर में देश की आत्मा बसती है। इसी के चलते 6 दिसंबर 1992 को ऐतिहासिक गलती को ठीक किया गया। आइए सीधा चलते हैं अगली खबर की ओर। आंगनबाड़ी में शहद के साथ शिक्षा की भी मिलेगी खुराक, 5 राज्यों के आंगनबाड़ी केंद्रों का हुआ चेक। दरअसल आंगनबाड़ियां अब सिर्फ सुपोषण केंद्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, उन्हें बुनियादी शिक्षा केंद्र यानी प्ले स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पोषण आहार के साथ बच्चों को खेल खेल में नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी ताकि उनका मानसिक विकास भी हो। ये तैयारी देश की नई शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 राज्यों के 5 जिलों की चुनिंदा आंगनबाड़ी शामिल की गई है। इनमें मध्य प्रदेश का विदिशा जिला भी शामिल है। प्रोजेक्ट के तहत विदिशा के अलावा राजस्थान 12, उत्तर प्रदेश का बलरामपुर, झारखंड का साहिबगंज और बिहार का बेगूसराय जिला शामिल किया गया है। इसका जिम्मा सरकार ने पीरामल फाउंडेशन को सौंपा है। अब आइए सीधा चलते हैं अगली खबर की ओर। वेदर अपडेट से बात करें तो उत्तर भारत में क्यों बदला मौसम का मिजाज, किन राज्यों में कोहरा और शीतलहर व बारिश की चेतावनी है, क्या कुछ अपडेट है, आइए जानते हैं। जी हां, दरअसल उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड से राहत मिलने का असर नहीं है। राजधानी दिल्ली NCR में सुबह के समय कोहरे की धुंध है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है, साथ ही घने कोहरे का भी संभावना है। अब आइए सीधे चलते हैं अगली खबर की ओर। केरल से बड़ी खबर आ रही है, अब CBI करेगी सोलर घोटाले की जांच, पूर्व CM समेत कई कांग्रेस नेता हैं आरोपी, आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां, दरअसल केरल सरकार ने फैसला लिया है कि वह सोलर घोटाला मामले अब CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हवाले कर देगी। बता दें कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी समेत कई कांग्रेस नेता आरोपी हैं। साल 2013 में सामने आए इस करोड़ों रुपए घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता एस नायर ने चांडी समेत अन्य लोगों पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री चांडी पर आरोप है कि उन्होंने नायर से रिश्वत ली थी और यौन शोषण भी किया था। अब आइए चलते हैं सीधा अगली खबर की ओर। बलिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के विवादित बोल, कहा ममता बनर्जी के DNA में है दोष। जी हां, दरअसल बलिया जिले के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में विवादित बयान देते हुए उन्हें इस्लाम का पोषक बताया। कहा कि इस्लाम को मानने वाले लोग तो भगवान राम का विरोध करेंगे ही। दावा किया कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के DNA में दोष है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।